हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, चाहे वो टॉप लोड वॉशिंग मशीन हो या फिर आपकी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हो, वहाँ पे जो मतलब फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो क्या कैसे वर्क करती है और उसमें जो स्पेयर पार्ट होते हैं उन्हें आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे क्या वर्किंग होती है उनकी, चाहे वो आपकी ड्रेन मोटर हो या फिर आपके इनलेट वाल हो या फिर आपका प्रेशर स्विच हो, आपकी लेग हो, जो भी हो, उसमें जो भी ए टू जेड वहाँ पे यूज होते हैं फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जो भी स्पेयर पार्ट यूज होते हैं उनकी क्या वर्किंग है और उसको अगर वो खराब हो जाते हैं तब आप उनको कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको करना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अपने न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको चेकआउट करना आपकी जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, चाहे वो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हो या फिर टॉप लोड वॉशिंग मशीन हो, हर वाले उसका जो सेफ होगा वो चेंज होगा, क्योंकि टॉप लोड वॉशिंग मशीन होती है वो ऊपर से ओपन होती है और जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती है वो सामने से ओपन होती है। तो यहाँ पे क्या है, आपने फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, टॉप लोड वॉशिंग मशीन है और वहां पे क्या है पीसीबी को आपको करना है। पीसीबी जो होती है वो प्रोग्राम को मतलब ऑपरेट करती है, पीसीबी सारा कमांड देती है, चाहे वो आपका जो भी स्पेयर पार्ट है, चाहे आपका ड्रेन मोटर है या फिर आपका प्रेशर स्विच है, जितने भी स्पेयर पार्ट लगे हैं वहां पे, मोटर है आपकी जो भी है और वहां पे गियर बॉक्स है, वो सारा ऑपरेट करती है पीसीबी। पीसीबी का जो काम होता है वो ऑपरेटिंग का काम होता है। तो पीसीबी अगर आपकी फॉल्ट होगी, पीसीबी में कोई भी फॉल्ट अगर आ जाता है तो वहां पे क्या होगा, आपका मतलब पीसीबी काम नहीं करेगी और वहां पे जो प्रोग्राम होगा वो प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है पीसीबी में अगर कोई भी चीज दिक्कत होगी तो वहां पे एरर देना स्टार्ट कर देगी, चाहे वो आपकी जो इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन हो या फिर आपकी नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन हो। तो एरर क्या है, हर एक मतलब कुछ स्पेयर पार्ट आपका खराब होगा तो वहां पे एरर हो जाएगा, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पे अगर एरर हो रहा है तो वहां पे क्या फॉल्ट है। तो पीसीबी का जो काम है बस प्रोग्रामिंग का काम है। अगर पीसीबी कोई कंपोनेंट जल जाता है या फिर कंपोनेंट कोई खराब हो जाता है, और पीसीबी अगर खराब होती है तब खराब कैसे होती है, पीसीबी में क्या होता है, अगर ऊपर जो पैनल लगा होता है आप देख रहे हैं ये जो पैनल होता है, तो इसमें क्या है अगर पानी चला जाता है, कभी कभी ऐसा होता है पानी जब आप कपड़े निकालते हैं तो वहां पे क्या है पानी अंदर चला जाता है, उसके बाद मशीन आप ऑन कर देते हैं, थोड़ा बहुत अगर पानी किधर से चला जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कुछ ड्रॉप चले जाते हैं, तो वहां पे क्या है आपकी पीसीबी शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आप कभी भी कपड़े को बाहर निकालें, कपड़े जो है बाहर निकालें तो सेफ्टी से निकालें, जिससे कि वहां पे पानी ना जाए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है जो आपका इनलेट वॉल होता है जहां से पानी अंदर आता है मशीन के अंदर, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है वो खराब हो जाता है, तो क्या होता है कुछ मतलब बास्केट वगैरह भर के उसके बाद ऊपर से पानी डाल देते हैं, तो वहां पे क्या होता है ये मिस्टेक होती है कि पानी पीसीबी में भी जा सकता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, अगर आप उस तरीके से पानी डाल रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि पानी पीसीबी पे ना जाए, तो पीसीबी आपकी खराब होने के चांसेस रहेंगे, या फिर आपके वोल्टेज बहुत ज्यादा ओवर आ जाते हैं तब ये दिक्कत आती है कि आपकी पीसीबी शॉर्ट हो जाती है, या फिर कोई भी वायर टच होगा तब भी आपकी पीसीबी शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आप क्या है इन चीजों को देख लें कि अगर ये चीज वहां पे वोल्टेज ओवर आ रहे हैं या फिर आपका जो वायर है कहीं से टच हो रहा है तब पीसीबी में फॉल्ट होता है, तो आपको क्या है पीसीबी जो होगी अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वहां पे पीसीबी में फॉल्ट हो सकता है। और पीसीबी केवल वोल्टेज के ज्यादा आने के चांस जब ज्यादा आते हैं वोल्टेज सब खराब होती है, या फिर उसमें पानी वगैरह चल जाता है तब ये दिक्कत आती है, फिर वायर टच हो तब दिक्कत होती है पीसीबी में। उसके बाद क्या है, ये जो आपका बैक साइड है, बैक साइड इस पैनल को ओपन कर लेना, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच क्या काम करता है, प्रेशर स्विच जो होता है वाटर लेवल को सेंस करता है। तो ये प्रेशर स्विच है, कुछ प्रेशर स्विच भी बोलते हैं, कुछ वाटर लेवल सेंसर भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो है वाटर को सेंस करता है, जो वाटर जो टप में आता है उसको सेंस करता है, उसी के अकॉर्डिंग मशीन में जो प्रोग्राम सेट होता है उसमें उतना ही पानी ये लेता है। मैनुअली आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी आपको कितना पानी चाहिए, तो वाटर लेवल सेंस करके उतना ही पानी मशीन के अंदर ले लेगा। अगर वाटर लेवल खराब हो जाता है आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो सेंसर है इसको कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये फॉल्टी है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आपको चेकआउट करना है कि आपकी जो पीसीबी है पीसीबी सप्लाई ऑड करना चाहिए। पीसीबी जो सप्लाई ऑड करेगी वो 5 वोल्ट डीसी ऑड करेगी। वहां पे क्या है जो प्रेशर सेंसर होता है, चाहे वो इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन हो या फिर नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन, तो वहां पे जो प्रेशर सेंसर में जो वोल्टेज आएंगे वो डीसी 5 वोल्ट पे ही रन करता है ये। अगर ये खराब हो जाता है तो इसमें क्या होता है, आपको क्या है पीसीबी पहले सप्लाई देख लें कि सप्लाई ऑड कर रही है या फिर नहीं कर रही। यहाँ पे जो सप्लाई होगी आप एक बीच में नोप रखेंगे, एक राइट या लेफ्ट दोनों तरफ आप रखेंगे, तो ये पहले आप राइट रख लें, उसके बाद जो वोल्टेज होंगे डीसी वोल्ट होंगे 2.5 डीसी वोल्ट है ये ध्यान रखना है, उसके बाद आप राइट हैंड साइड देख लें कि 2.5 बीच में एक नोब रखी रहने देना है आपको दोनों साइड, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर लेंगे। तो वहां पे क्या अगर सप्लाई ऑड कर रही पीसीबी तो इस कंडीशन में क्या आपकी पीसीबी ओके है। पीसीबी अगर सप्लाई ऑड कर रही है उसके बाद भी वहां पे आपका प्रेशर स्विच है प्रेशर सेंसर जो है वो फॉल्टी है,
वहां पे क्या है, पी एरर कोड शो हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, आपका जो प्रेशर स्विच है उसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर प्रेशर स्विच जो होता है वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा कार्बन आ जाता है, कार्बन जमा हो जाता है, तब भी वो वोल्टेज मतलब वहां पे प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते हैं, फिर वो एरर कोड शो होता है। तो अगर कार्बन बहुत ज्यादा है तो आप उसको अच्छे से क्लीन कर दें, उसके बाद दोबारा आप जैक लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद देख लें आप जो इसका पाइप नीचे ड्रम में जाता है, ये जो पाइप होता है ड्रम में अटैच होता है, अगर ये पाइप चूहे वगैरह काट देते हैं या फिर ये पाइप उससे रिमूव हो जाता है, जो नोप नीचे ड्रम में लगी होती है इससे अगर रिमूव हो जाता है, तब भी वहां पे क्या होगा, आपका जो प्रेशर स्विच होगा वहां पे वाटर लेवल को सेंस नहीं कर पाएगा और वहां पे एयर कोड शो हो जाएगा पीई। तो आप इसको देख लें कि इसका पाइप जो है एकदम प्रॉपर तरीके से अटैच होना चाहिए, पाइप के अंदर कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, पाइप कहीं से बीच में से कट नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ एकदम प्रॉपर तरीके से अटैच होना चाहिए और कहीं से भी पाइप कट ना हो, वरना ये एयर कोड शो होगा। और ये जो मतलब प्रेशर स्विच है केवल वाटर लेवल को सेंस करता है, यही काम इसका है। अगर ये वहां पे आपने जहां पे नोप पे मतलब पाइप लगाया, ड्रम की नोप पे पाइप लगाया, वहां पे अगर कचला है तब भी आपका प्रोग्राम जो होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा, और वहां पे क्या होगा, जितना सेंस करेगा उतना चलेगा, उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख लें जो नोप है जहां पे ड्रम पे अटैच करते हैं इस पाइप को, वहां पे डस्ट नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज आप स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर लेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रेशर स्विच के बराबर में क्या होता है, एक इनलेट बॉल लगा होता है जो क्या है, पानी को अंदर वॉशिंग मशीन में आउट करता है। तो ये अगर फॉल्टी हो जाता है तब आप इसको कैसे मतलब चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो वर्किंग है वो आप समझ लें पहले। इसमें क्या होता है, ये जो पानी होता है मतलब पहले पीसीबी क्या है, सप्लाई आउट करते है। ये जो होता है अगर नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है तो वहां पे क्या होगा, 220 वोल्ट पे ये रन करता है। अगर आपकी इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन है तो वहां पे क्या होगा, आपका ये जो वोल्टेज होंगे 12 डीसी वोल्ट पे ये रन करता है। तो आप पहले देख लें कि इसके स्टिकर पे ऊपर लिखा होता है कि कितने वोल्ट पे ये रन करता है, डीसी है या फिर एसी है, पहले ये चीज चेकआउट कर लें आप। उसके बाद ये जो काम करता है ये केवल वाटर को अंदर करता है, मतलब यहां से क्या है, पानी जो टैब लगी होती है मतलब टैब में से पानी ये अंदर ड्रम में आउट करता है। तो आप देख लें अगर पानी अंदर नहीं आ रहा है तो वहां पे क्या वाइब्रेशन की आवाज आएगी, या फिर ये इसकी मोटर जो होती है इनलेट वाल्व जो होता है वो खराब हो जाता है, इसके अंदर एक मोटर होती है, अगर ये खराब हो जाता है तो वहां पे क्या है, पानी अंदर नहीं आता है, तो आपकी पीसीबी जो है एरर देना स्टार्ट कर देगी। तो वहां पे क्या है, आप देख लेंगे कि अगर पानी अंदर नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन में ये फॉल्टी है। तो सबसे पहले आपको चेकआउट करना है कि आपकी जो पीसीबी वो सप्लाई आउट करे, तो वहां आपको पहले देख लेना है कि डीसी पे या एसी पे, अगर एसी पे है तो वहां पे जो है सप्लाई यहां पे आएगी 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट पे ये रन करता है। तो वहां पे अगर सप्लाई आउट हो रही है तो आपकी पीसीबी ओके और इनलेट वॉल्व में फॉल्ट है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ वॉशिंग मशीन ऐसी हैं, कुछ मॉडल ऐसे हैं जिसमें एक ही मतलब इनलेट वॉल्व यूज होता है और किसी में दो इनलेट वॉल्व यूज होते हैं। दो जिसमें यूज होते हैं उसमें ये काम होता है, एक में से क्या है हॉट पानी आता है इसमें, एक में से कोल्ड पानी आता है, तो एक में ठंडा एक में से गर्म आता है, ठीक है। तो आप अगर ठंडा गर्म वाली है तो उसमें क्या है दो लगे होंगे, मतलब एक ही में कंबाइंड होंगे दो, और किसी में सिंगल भी आता है। तो आप क्या है, अगर ये फॉल्टी होगा तो आप इसको सप्लाई को चेकआउट कर लें, अगर सप्लाई आउट करिए तो पीसीबी ठीक है। उसके बाद आपको इसको क्या है, अगर पानी अंदर नहीं आ रहा है तो इसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है, जो आप जाली टाइप देख रहे हैं पिक में, ये अगर जाली ब्लॉक हो जाती है इस कंडीशन में भी पानी आउट नहीं करती है, तो आप क्या है इसको क्लीन कर देंगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे क्या होता है, अगर ये आपने क्लीन कर दिया उसके बाद भी वहां पे पानी आउट नहीं कर रहा और सप्लाई भी आ रही है, और उसके बाद इसकी जो मोटर वो भी वाइब्रेट कर रही है, तो इस कंडीशन में आपका वो इनलेट वाल्व है वो ठीक है। तो आप इनलेट वाल्व खोल के उसके स्क्रू जो है खोल के उसके बाद जो गंदगी होगी वो साफ करके दोबारा से आप फिट करेंगे, उसके बाद ये मतलब काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद भी अगर काम नहीं कर रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वॉशिंग मशीन अनबैलेंस है तो वहां पे भी एरर आएगा, एरर शो करेगी वॉशिंग मशीन। तो इसकी क्या है, चार लैग होती है, टब जो होता है चार लैगों पे होता है। अगर ये लैग जो होता है एक लैग या कमजोर हो जाती है, ऐसा होता है कि 15-20 साल के बाद क्या होता है वहां पे क्या है कमजोर हो जाती है लैग, जंग आ जाता है, पानी पड़ता है, तो वहां पे क्या है स्प्रिंग टूटने लगते हैं। तो वहां पे क्या होता है, आपकी जब मशीन चलती है तो वहां पे क्या होता है उसमें अनबैलेंसिंग होती है, डिसबैलेंस हो जाती है, तो वहां पे एयर कोड शो हो जाता है। तो आप लैगों को चेक आउट कर लें कि लैग जो होता है सॉकर का काम करती है और वहां पे क्या होता है आपका ड्रम उन्हीं पे रुका होता है। तो इजिली तरीके से ये लैग लेकर जाती है, आप निकाल सकते हैं, उसके बाद इसको रिप्लेस करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपको देखना है जो आपकी ड्रेन मोटर होती है, जो ड्रेन मोटर क्या होता है, जब ड्रेन मोटर अपनी तरफ उसको ड्रेन करती है पानी जब निकलता है, तो वहां भी क्या होता है ड्रेन मोटर अपनी तरफ जो बफर सील लगी होती, जो ड्रेन सील लगी होती है उसको अपनी तरफ खींचती है। तो अगर ड्रेन मोटर आपकी फॉल्टी होगी तब आप उसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं, और ड्रेन मोटर का क्या काम होता है। ड्रेन मोटर क्या होता है, जो नीचे लगी होती है आप देख रहे हैं ये ड्रेन मोटर है, इस ड्रेन मोटर का काम जो होता है कि आप जब स्पिन करते हैं तो इसमें क्या है पानी सारा आउट कर देती है ये मशीन से।
अगर ये ड्रेन मोटर आकर जो ड्रेन मोटर है उसके जो ड्रेन सील होती है उसको नहीं अपनी तरफ खींचती है तो उस समय आपकी ड्रेन मोटर फॉल्टी हो सकती है। तो आपको क्या है उसको कैसे चेकआउट करेंगे, तो इसमें क्या होता है किसी किसी में क्या होता है तीन पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट आप बीच में रखेंगे, एक राइट एंड लेफ्ट। तो उसमें क्या होगा वहां पे क्या 220 वोल्ट आना चाहिए और उसके बाद जो आप जो फीता देख रहे हैं सामने ये अंदर की तरफ खींचना चाहिए। अगर वो नहीं खींचती है तो वहां पे क्या होगा आपकी ड्रेन मोटर फॉल्टी है। अगर अंदर की तरफ नहीं आती है फिर बाहर की तरफ नहीं आती है तो वहां पे क्या होता है आपकी ड्रेन मोटर फॉल्टी है, तो इस वजह से आपका ड्रेन नहीं होगा और वहां पे स्पिन नहीं करेगी मशीन। तो अगर आपकी ड्रेन मोटर भी ठीक है और वहां पे जो ड्रेन मोटर का काम है वो सिर्फ इतना है कि पानी को आउट करती है और उसके बाद अगर ये पानी नहीं निकाल रही तो आपकी स्पिन मोटर नहीं चलेगी। उसके बाद भी आपकी ड्रेन मोटर ठीक है उसके बाद भी वहां पे पानी आउट नहीं हो रहा है और आपकी स्पिन नहीं चल रही तब वहां पे क्या फॉल्ट हो सकता है। तो आपको क्या आपको चेकआउट करना है आपकी जो ड्रेन मोटर होती है उसके बाद ड्रेन मोटर काम कर रही है उसके बाद भी वहां पे क्या है स्पिन मोटर जो होती है तो अगर आपकी मशीन नहीं चली स्पिन नहीं कर रही तब वहां पे क्या फॉल्ट हो सकता है। तो आपको चेकआउट करना है आपकी जो ड्रेन सील होती है वहां पे क्या है कचरा जमा हो जाता है या फिर आपके कॉइन वगैरह वहां पे फंस जाते हैं तब ये दिक्कत आती है। तो वहां पे क्या है आप जो ड्रेन मोटर है वो ठीक है और उसके बाद भी वहां पे आपकी जो है स्पिन नहीं चल रही कपड़े नहीं सुखा रही है पानी नहीं निकल रहा है तो आप कचरा देख लें कि कचरा नहीं होना चाहिए वहां पे जमा नहीं होना चाहिए या फिर आपके कॉइन वगैरह फंस जाते हैं तभी ये दिक्कत आती है। तो आप क्या करें इन सब चीज को उसको निकाल के उसके अच्छे से मतलब निकाल के उसके बाद आप उसकी सफाई कर देंगे या फिर आपकी जो ड्रेन सील है वो खराब हो जाती है तभी ये दिक्कत आती है कि आपका जो पानी है वो बाहर नहीं आता है। तो आप इसको ओपन करेंगे उसके बाद ओपन करके उसके बाद आप देख लेंगे कि वहां पे क्या फॉल्ट है आपको नजर आ जाएगा। अगर उसमें कॉइन होंगे तो कॉइन निकाल दें उसके बाद आप इसको दोबारा लगा दें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसको नीट एंड क्लीन कर दें। उसके बाद आपने देख लिया सब कुछ ठीक है उसके बाद भी यही फॉल्ट आ रहा है कि वहां पे स्पिन नहीं हो रहा तो आपका जो ड्रेन पाइप जहां पे ड्रेन मतलब एरिया है जो ड्रेन पाइप वहां पे पड़ा है आपका नाली में उसे आप देख लें कि वहां पे पानी इकट्ठा ना हो। अगर पानी वहां पे बहुत ज्यादा इकट्ठा होगा और पानी वहां से नाली से आउट नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा आपका सब काम होगा सब कुछ ठीक होगा आपकी ड्रेन मोटर ठीक है ड्रेन सील भी ठीक है और अंदर कोई क्वाइन भी नहीं है फिर भी वहां पे पानी अगर नहीं निकल रहा है तो आपका पानी नाली में जमा है। तो आप उसको देख लें कि पानी आपका निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। उस समय क्या होता है आपका मतलब मोटर में सब कुछ ठीक होता है और सब कुछ ठीक है आपकी ड्रेन मोटर ठीक है ड्रेन सील भी ठीक है उसके बाद भी पानी नहीं निकल रहा है तो आपकी कहीं नाली में पानी फंसा है इसी वजह से ड्रेन नहीं कर रही। तो आप पाइप निकालें उसके बाद हमको पता लग जाएगा कि पानी आउट कर रही है मशीन या फिर नहीं कर रही। तो ये जो ड्रेन मोटर है आप देख रहे हैं ड्रेन मोटर क्या होता है ये जो गियर बॉक्स की गिरा रही है इसको अपनी तरफ खींचती है उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये जो है यहाँ से पानी आउट होता है सारा पानी मशीन का आउट हो जाता है उसके बाद इसका जो होता है स्पिन मतलब करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से ये काम करता है इसका जो मतलब वर्किंग है ये है कि आपका जब स्पिन होगा तो इसको सारी अपनी तरफ खींच लेगा उसके बाद सारा पानी आउट हो जाएगा इस पाइप के जरिए ये जो पाइप है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है सारा जो मतलब इसकी जो ये देख रहे हैं अपनी तरफ खींच लेगा इसका जो होता है एक पेच लगा होता है यहां से सारा पानी आउट हो जाएगा और इसमें क्या है उसके बाद स्पिन स्टार्ट हो जाएगा वहां पे कपड़े सुखाना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है एक ये जो पेच लगा होता है आप देख रहे हैं और ये जो है गरारी टाइप की है ये जो मतलब ब्रिक कह सकते हैं आप इसको ये जो होता है ये क्या होता है ये हट जाता है उसके बाद क्या होता है ये जो है पेच जो है एडजस्टमेंट के लिए होता है ये आप देख रहे हैं यहां से जैसे मैं हटाऊंगा इसको तो आप देखें ये हट गया। तो इस तरीके से ये काम करता है और इसका जो गियर बॉक्स पे ये जो लगी होती है ब्रेक ये गरारी में फंस जाती है। अगर ये गरारी में फंस जाती है उस समय क्या होता है बहुत चलता है जब ये हट जाती है उसके बाद पूरा ड्रम घूमता है पूरा ड्रम जो होता है वो गियर बॉक्स पे रुका होता है। जब आपकी बॉस चलेगी तो केवल पल्सीटर चलेगा और जब ये मतलब गरारी हट जाएगी उसके बाद आपका पूरा ड्रम घूमता है। अगर ये गरारी अटैच हो जाती है तो वहां पे क्या होता है आपका यहाँ पे अटैच हो जाती है गरारी। जब गरारी अटैच हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है आपका बॉस चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है दोनों साइड घूमेगी इसकी पुली और मोटर घूमेगी और जब ये मतलब जो क्लिस होता है वो हट जाता है तो उसके बाद आपका पूरा ड्रम घूमता है जब स्पिन चलती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दोनों साइड घूम रही है। जब हम इसको हटा देंगे तो एक साइड ये घूमेगी मशीन तो इस साइड क्या है नहीं घूम रही और दूसरी साइड जब हम घुमाएंगे तो आराम से घूमेगा। तो यहाँ पे क्या है आपका ड्रम अच्छे से मतलब चलेगा तो वहां पे क्या है स्पिन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो मतलब काम है ये गरारी का है ये गियर बॉक्स होता है इसी तरीके से काम करता है। तो अभी क्या है दोनों साइड मतलब बॉस चल रही और जब इसको हटा देंगे तो एक साइड ये स्पिन करेगी और दूसरी साइड बहुत अटक अटक के चलेगी मशीन। तो ये देख रहे हैं आप फिर मैंने लगा दिया इसको गरारी को उसके बाद दोबारा देख रहे हैं आप इधर भी काम कर रही है उधर भी काम कर रही है। तो इस समय इस तरीके से ये इसका काम होता है और ये मोटर ये काम करती है गियर बॉक्स ये काम करता है। तो आपसे क्या अभी मैं चला के आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं ये अपनी तरफ खींच रही है तो आप इस तरीके से इसको और बाकी जो ये गियर बॉक्स का जो क्लिस है वो अपने आप ही हट जाएगा। तो उसके बाद ये आप देखो सप्लाई जब ऑफ कर दी उसके बाद ये काम करना बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे क्या है प्रेशर स्विच मतलब वाटर लेवल को सेंस कर रहा है इसी वजह से। अब मैं दोबारा इसको मैं
स्पिन मोड पे करता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे तो इसका जो क्लेज है अपनी तरफ, मतलब ये ड्रेन है, ड्रेन का पानी सारा आउट हो जाए, उसके बाद मशीन चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये जो है ड्रेन सील के अंदर, ड्रेन सील को अपनी तरफ ले लिया इसने और इसका जो क्लेज है वो भी हटना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसको और उसके बाद ये देखें आप सारी काम ये एकदम इस तरीके से करता है। ये जो ड्रेन मोटर होती है इस तरीके से ये काम करता है। आप देख रहे हैं आप ये जो है स्पिन चलना स्टार्ट हो गई, एक ही साइड घूम रही है मशीन, आप देखें एक ही साइड घूम रही, इस तरीके से ये काम करती है। तो उसके बाद क्या है, सप्लाई जब आउट हो जाएगी तो ये जो है इसका जो क्लिस ये हटना स्टार्ट हो गया। तो जब ये हट जाएगा उसके बाद क्या होगा, आपकी जो मतलब गेयरबॉक्स से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करती है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद आपको मोटर देखना है, मोटर का क्या काम होता है, मोटर जो होता है आपका दोनों काम करता है, गियर बॉक्स को भी चलाता है, उसके बाद आपका जो बॉस होता है बॉस को भी चलाता है। तो रोबॉस से क्या होता है, आपका पल्सीटर घूमता है एक साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड, मतलब पल्सीटर घूमे, उसके बाद जब गियर बॉक्स चलेगा तो गियर बॉक्स जो होगा मोटर चलाएगी तो वो एक ही साइड चलाएगी, उसमें क्या है पूरा ड्रम घूमता है। तो आपका ड्रम जब घूमेगा तो स्पिन चलेगी, और जब आपका पल्सीटर घूमेगा तो उस समय वॉश करती है मशीन, मतलब कपड़े को वॉश करती है। तो मोटर जब खराब हो जाती है तो क्या है दोनों ही काम नहीं होते हैं, जहां आपका स्पिन हो या फिर आपका वॉश हो। मोटर कब शॉर्ट होती है, आपका अगर गियर बॉक्स शॉर्ट है, गियर बॉक्स में क्या है पानी वगैरह मतलब आना स्टार्ट हो गया, उसकी गरारी गल जाती है, तब मोटर में ही पानी चला जाता है, तो वहां पे मोटर शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं, या फिर कोई वायर अटैच है, वायर टच है, तब इस वजह से भी मोटर शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं, या फिर आपके वोल्टेज बहुत ज्यादा ओवर आ गए तब भी आपकी मोटर खराब होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद ये जो बेल्ट होती है, बेल्ट क्या काम करती है, बेल्ट जो होती है इसको मतलब अगर लूज हो जाती है बेल्ट तो वहां पे क्या हुआ, आपका जो पल्सीटर है वो प्रॉपर तरीके से लोड नहीं ले पाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है आपकी बेल्ट जो होगी पुली से स्लिप होगी, तो इस वजह से वहां पे अगर आप लोड डालते हैं तो वहां पे कपड़े आपके वॉश नहीं हो पाएंगे, वो पल्सीटर रुक जाएगा चलते चलते अगर बेल्ट लूज है तब। तो आप देख लें कि बेल्ट लूज तो नहीं है, अगर बेल्ट लूज है तो आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेल्ट का जो काम है वो पुली को लेके साथ में चलती है, ये काम है बेल्ट का। अगर बेल्ट लूज होगी तो वहां पे क्या है आप कितने भी कपड़े डाल दें तो वहां पे क्या होगा आपका लोड नहीं उठा पाएगी मशीन। तो बेल्ट अगर लूज है उसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका गियरबॉक्स खराब हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, आपका जो गियरबॉक्स होता है बहुत ज्यादा आवाज करता है, बहुत ज्यादा साउंड करता है, और वहां पे क्या है आपका लोड भी ज्यादा नहीं होगा। और गियरबॉक्स अगर खराब होगा तो वहां पे क्या है नीचे से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी गरारी कट जाती है तो वहां पे पानी आना स्टार्ट हो जाता है और वहां पे आवाज भी बहुत करता है। अगर आपका पल्सीटर जो होता है, अंदर जो पल्सीटर होता है उसका क्या है बुश मतलब घिस जाता है, बुश घिस जाता है अंदर वाला, तब वहां पे क्या होगा आपका पल्सीटर फ्री हो जाएगा। तो आप इससे उसको हाथ से जब राउंड करेंगे तो आपको पता लग जाएगी पल्सीटर जो है वो फ्री हो गया, उसका जो बुश है अंदर वो कट गया है, वो जो होता है उसकी गरारी सारी कट जाती है, तब ये पल्सीटर फ्री हो जाता है और पल्सीटर ऊपर आ जाता है अपने आप ही, वो पल्सीटर बहुत ज्यादा आवाज करने लगेगा। उसके अंदर अगर कॉइन बहुत ज्यादा होंगे पल्सीटर के अंदर तब भी आवाज करेगा, तो आप इससे उसे क्या करें, आप पल्सीटर को ओपन करें, उसके बाद आप देख लेंगे वहां पे कॉइन है या फिर आपका बुश गल गया है। तो बुश जब घिस जाती है गरारी तब ये दिक्कत आती है कि वहां पे बहुत ज्यादा साउंड करेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगे, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ देख के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।